थ्योरी के बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा देखिए पहला एक्सरसाइज जो हमारा 1A यही है जो मैंने थ्योरी बताया, उसी टाइप पे सभी क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसमें से एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को ट्राई करना है। और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाद जो आप लोगों को स्कूल के थ्रू ऐप डाउनलोड करवाया गया है उस पर जो है इस एक्सरसाइज का फोटो भेज दिया जाएगा और आपको घर पे ट्राई करना है। अब एक एक क्वेश्चन करके हम लोग ट्राई करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा हो गया 1A। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर। यानी हमारे पास जो नंबर दिया गया है उसमें से सिर्फ 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसा कि हमारे इस बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन है 350, इसमें से मैंने क्या बताया कि सिर्फ 5 का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 5 हमें कहां दिखाई पड़ रहा है, स्टार्टिंग में है। सिर्फ 5 का अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 5 ही होगा। 5 से पहले कोई नंबर नहीं है तो 5 का 5 ही होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा नहीं समझ में आया, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा जो लग रहा है डी लेते हैं। तो 2570 हमें निकालना किसका है, सिर्फ 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए कहां पे है, तो यहां पे है 5, इसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया था लिखने का तरीका 5 तो 5, और 5 से पहले हमारे पास कितना नंबर है, 1 और 2, तो कितना 0 2 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड, यानी इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें चेंज करना है। सिंपल सा है, मैंने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 598, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो पहले क्या स्टार्ट करना है हमें, पीछे से 5 से पहले कितना नंबर है बताइए, 1 और ये 2, कितना 0 2 0, प्लस करेंगे उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है 5 के बाद, 9 है। तो 9 से पहले कितना नंबर है, 1 नंबर, तो 1 0, और प्लस में क्या आएगा, 9 के बाद 8, और 8 के बाद कोई नंबर है नहीं है तो हम कोई 0 नहीं देंगे। यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्पैक्ट नंबर, बुक में क्या दिया है, कॉम्पैक्ट नंबर, गड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है। कॉम्पैक्ट नंबरल को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट मतलब छोटा करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें से 3 में से जो थोड़ा बड़ा लगा है वो हम लेते हैं सी। क्या है, नाम था 9000 प्लस में 800 प्लस में 60 और प्लस में 1, इसे हमें क्या करना है, कॉम्पैक्ट मींस शॉर्ट करना है, सिंपल है वे। ठीक है, यानी इन सभी को जोड़ना है। अब कितने देर तक जोड़ते रहेंगे, तो शॉर्ट तरीका मैंने बताया था क्या, कि जितने भी 0 है सबको हटाना है। क्या स्टार्टिंग यहां से करते हैं, इसमें से 0 को हटाए तो क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। अगर इसमें से 0 को हटाते हैं तो क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। और इसमें से अगर 0 को हटाते हैं तो क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। अब बोलोगे इसमें 0 तो है नहीं है, तो जो है सो हम वही लिख देंगे, यानी 1 है तो 1 लिख देंगे। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 को टोटल को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग नंबर अलाउड एंड देन राइट देम इन नंबरल्स। नंबरल्स के मैंने बताया था क्या, कि उसको जितने भी तरीका से, लेकिन हमें यहाँ पे सभी तरीका नहीं लिखना है, सिर्फ इससे जो है ये देखिए हमारे हमें केसेस में दिया गया है सेंटेंस, यानी इंग्लिश में, जैसे आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे राइटिंग वर्ड राइटिंग नंबर, तो इसे हमें ये वर्ड में दिया गया, हमें इसे किसे लिखना है, किस चीज में, नंबर में लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पीछे से 3512। अब थोड़ा थोड़ा सा एक साथ लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, 12 लिखते हैं एक साथ देते हैं, ये जो है हमारा 512, तो 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 512 लिख सकते हैं। और 300 है तो ये वन्स टेंस हंड्रेड, तो इसके बाद क्या आएगा, 1000, तो 3000 है तो सिर्फ क्या लेंगे, 3512। इसी तरह से सभी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। इससे पहले क्या था, वर्ड में दिया गया था, नंबर में लिखना है। अब हमें इसमें नंबर में दिया गया है, किस चीज में, नंबर में, टेंस में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, 6009 का स्पेलिंग आता है SIX, 1000 का स्पेलिंग क्या होता है, TH O U N
एस एन एन डी थाउजेंड और उसके बाद डायरेक्टली नाइन है तो 6009 एन आई एन ई 9। इसी तरह से अगला क्वेश्चन होगा उसे इंग्लिश में ही लिखना है।